साल 2023 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए हो गया है भारतीय टीम का ऐलान। बीसीसीआई ने कंफर्म कर दिए हैं 20 खतरनाक नाम। जी हां, साल 2023 की शुरुआत काफी रोमांचक अंदाज से हो चुकी है, जहां पर पहले दिन हमें बीसीसीआई की अर्जेंट मीटिंग देखने को मिली, जिस मीटिंग में बीसीसीआई का पूरा क्रू था। टीम इंडिया कैप्टन रोहित शर्मा थे, टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ भी थे, और ऐसे में यहां पर इस मीटिंग के दौरान बीसीसीआई ने आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के रिगार्डिंग बड़ी बड़ी घोषणाएं की। पहली बार क्रिकेट के इतिहास में भारत पूरे की पूरे विश्व कप को होस्ट करने के लिए जा रहा, और बीसीसीआई ने यहां पर टीम इंडिया के स्क्वाड्स को लेकर भी अपना यहां पर अंदाज साफ कर दिया है, जहां पर पहले दिन ही 20 खिलाड़ियों के नाम चुन लिए गए हैं, जो हमें आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में धमाल करते हुए नजर आएंगे। पूरी लिस्ट को हम पूरी तरह से एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और ऐसी ही खबरों को सबसे पहले देखने के लिए वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बताया कि साल 2023 का सबसे बड़ा टूर्नामेंट यानी आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 हमें इस साल के अंत में अक्टूबर नवंबर के महीने में भारत के 7 अलग अलग स्टेडियम्स में देखने को मिलने वाला है। टूर्नामेंट का कार्यक्रम बेशक अभी तक जारी नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों बीसीसीआई ने इस टूर्नामेंट के लिए भारत की 20 सदस्यीय टीम को चुन लिया है, जहां पर कैप्टन रोहित शर्मा के अंडर टीम इंडिया ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 को अपने नाम करने के लिए उतरने वाली पिछली गलतियों को भुलाकर यहां पर एक नई शुरुआत के साथ बीसीसीआई और भारतीय टीम बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार है। तो चलिए सबसे पहले हम नजर डालते हैं भारत की उस 20 सदस्यीय टीम पर जिसको बीसीसीआई ने फिलहाल रडार पर लिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे बल्लेबाजों की, तो भाई 6 प्रॉपर बल्लेबाज हमें यहां पर टीम इंडिया के स्क्वाड्स में देखने को मिलने वाले, जहां पर आपके कैप्टन रोहित शर्मा होने वाले हैं। रोहित शर्मा को लेकर सस्पेंस जरूर जारी था, लेकिन दोस्तों कंफर्म हो चुका है रोहित शर्मा कैप्टनसी करेंगे। टीम के बल्लेबाज भी होने वाले हैं आपके विराट कोहली यहां पर मौजूद होंगे, शिखर धवन भी स्क्वाड का हिस्सा है, जहां पर फिलहाल तो उनको स्क्वाड से ड्रॉप किया गया, लेकिन बीसीसीआई के रडार में वो डेफिनेटली है। उसके अलावा आपके सूर्य कुमार यादव भी हमें स्क्वाड्स में देखने को मिलेंगे, केएल राहुल भी स्क्वाड्स में देखने को मिलेंगे। केएल राहुल को लेकर लगातार जद्दोजहद जारी रहती है, लेकिन केएल राहुल को फिलहाल बीसीसीआई ने अपनी 20 सदस्यीय टीम में शामिल किया है, और सुरेश अय्यर भी डेफिनेटली हमें यहां पर टीम इंडिया के बैटिंग को लाइनअप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करते हुए नजर आने वाले हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं विकेट कीपर्स के बारे में। तो दोस्तों 3 विकेट कीपर बल्लेबाज यहां पर टीम इंडिया के स्क्वाड्स में हमें दिखाई देने वाले, जहां पर डेफिनेटली आपके ऋषभ ताबड़तोड़ पंत होने वाले हैं। ईशान किशन युवा चेहरे को स्क्वाड में शामिल किया जाएगा, दोहरा शतक की ऑलरेडी ओडीआई फॉर्मेट में जड़ चुके हैं। संजू सैमसन को भी फिलहाल रडार में रखा गया है, लेकिन 15 सदस्यीय टीम में संजू सैमसन की जगह थोड़ी सी मुश्किल यहां पर नजर आ रही है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑलराउंडर्स के बारे में। तो 4 प्रॉपर ऑलराउंडर्स हमें यहां पर टीम इंडिया के स्क्वाड्स में देखने को मिलेंगे, जहां पर डेफिनेटली हार्दिक पांड्या होंगे, बल्ले और गेंद दोनों से हमें कमाल करते हुए नजर आएंगे। आपके रविंदर जडेजा यहां पर होने वाले हैं, आपको पता है भारत में वर्ल्ड कप है, तो जडेजा की मिस्ट्री यहां पर काम आने वाली है। आपके वॉशिंगटन सुंदर को भी ओडीआई स्क्वाड्स में शामिल किया जा सकता है। रविचंद्रन अश्विन पर भी बीसीसीआई की निगाह, जहां पर इस वर्ल्ड कप में रविचंद्रन अश्विन को भी बीसीसीआई फिलहाल कंसीडर कर रही है। उसके बाद हम बात करते हैं गेंदबाजों की, तो भाई 6-7 प्रॉपर गेंदबाज यहां पर टीम इंडिया के स्क्वाड्स में हमें देखने को मिलेंगे, जहां पर डेफिनेटली आपके भुवनेश्वर कुमार को ओडीआई फॉर्मेट के लिए स्क्वाड्स में रखा जाएगा। हालांकि सोर्सेज क्लेम करेगी इनको स्क्वाड से बाहर किया जाएगा, ड्रॉप किया जाएगा, लेकिन दोस्तों फिलहाल वो बीसीसीआई की लिस्ट में यहां पर शामिल है। आपके जसप्रीत बुमराह यहां पर कमबैक करेंगे, आपके मोहम्मद शमी भी हमें डेफिनेटली स्क्वाड में देखने को मिलने वाले हैं। एक युवा तेज गन, जी हां, उमरान मलिक को भी भारतीय टीम के स्क्वाड्स में शामिल किया जाएगा। उसके अलावा अर्शदीप सिंह को भी यहां पर फिलहाल बीसीसीआई ने अपनी रडार में शामिल कर रखा है। 2 स्पिनर्स भी मौजूद होंगे, जहां पर युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव, जी हां, कुलचा की जोड़ी हमें यहां पर ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड्स में देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों फिलहाल कुछ ऐसी 20 सदस्यीय टीम बीसीसीआई ने आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के लिए तैयार कर रखी है, और इसके अंदर से भी आपको पता है कि बीसीसीआई को टूर्नामेंट से पहले अपने 15 खिलाड़ियों के नाम कंफर्म करने होंगे। लेकिन आपके मुताबिक किन 15 खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में जगह मिलेगी, आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल के स्टूडियो में इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब करके अटेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।